हिंदी रिसोर्स पर्सन केंद्रीय कार्यालय। मैं आपको नौवीं कक्षा का प्रश्न पत्र और उसका विवरण देना चाहता हूँ। देखिए कक्षा नौवीं कक्षा विषय हिंदी पाठ का नाम है बेटी के नाम पत्र। देखिए यह हिंदी असाइनमेंट 3 या परीक्षा 3। पहला नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सूचना के अनुसार लिखिए। यहाँ पर 4 प्रश्न हैं, इसके लिए 4 अंक हैं। पहला प्रश्न देखिए, समय शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए इसके 2 अंक लिखना है, इसलिए पर्यायवाची का क्या है। देखिए समय, समय देखिए काल वक्त, इसका ऑप्शन है ये ऑप्शन। समय का पर्यायवाची शब्द काल वक्त, इसका ऑप्शन ये ऑप्शन है। दूसरा प्रश्न, स्त्री शब्द का बहुवचन शब्द क्या है। स्त्री एकवचन है, इसका उत्तर है स्त्रियां, बहुवचन है, इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन। स्त्री एकवचन, स्त्रियां बहुवचन। तीसरा प्रश्न, निश्चय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। निश्चय देखिए, मैं संधि विच्छेद कर रहा हूं, निह प्लस चय, निश्चय यह क्या है, विसर्ग है, इसलिए हम कहते हैं विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अच्छा देखिए इसका ऑप्शन है ये। और चौथा प्रश्न, 1920 को हिंदी अक्षरों में लिखिए। 1920 देखिए, 1920 इसका ऑप्शन है सी। अब देखिए दूसरा नंबर में आइए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, हर एक के लिए 3 अंक हैं, कुल 6 अंक हैं। पहला प्रश्न देखिए, मैं और तुम भाग्यशाली हैं, नेहरू जी ने ऐसा क्यों कहा। नेहरू जी उस समय कहाँ थे, नैनीताल जेल में थे। उस समय स्वातंत्र संग्राम चल रहा था, युद्ध चल रहा था। इंदिरा को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का सुनहरा मौका मिला था, इसलिए नेहरू जी ने कहा था तुम और मैं बहुत भाग्यशाली हैं, इसलिए वहां पर संबोधित किया। कुछ ना कुछ करना है हमारे देश के लिए, कुछ ना कुछ करना है, यह मौका हमें मिला है, इस प्रकार कहा है। इसका विवरण पृष्ठ संख्या